हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अंग्रेजी में पास होने का मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये वीडियो उनके लिए जो कि अभी तक कुछ नहीं अंग्रेजी में पढ़े हैं, बिल्कुल उनको एक अक्षर भी अंग्रेजी में नहीं आता है, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद पूरे में पूरे अंक लेकर आ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 70 नंबर का अगर पेपर होता है तो इस वीडियो से मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूं, कुछ भी नहीं अगर आपको आता है तो 40 से 45 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। तो 40 से 45 नंबर ला सकते हो तो कम थोड़ी है 40 से 45 नंबर लाना बिना पढ़े हुए। और 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा तो 70-75 नंबर हो जाएगा 100 में। और इंटर वाले हैं, अगर इंटर वालों का पेपर 100 नंबर का होता है अंग्रेजी में, अगर इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आराम से उनका 70 नंबर तो आ जाएगा, खूब आराम से आ जाएगा। लेकिन इतना याद रखना कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये नहीं कि वीडियो देखने के बाद वो सोचें कि सर ने अंग्रेजी में पास होने का ट्रिक बता दिया तो पढ़ें क्या, नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। ये वीडियो उनके लिए है कि जो कुछ नहीं पढ़े हैं, मतलब उनको एक अक्षर भी अगर अंग्रेजी में नहीं आता है, मतलब अंग्रेजी से बिल्कुल डरते हैं, जैसे अंग्रेजी को देखते हैं उनका मन घबराने लगता है, क्या करें यार अंग्रेजी में कैसे पास होंगे, उनके लिए वीडियो है, ठीक है, कि ताकि वो हाई स्कूल में 40 से 45 नंबर 70 में ला पाए और इंग्लिश में 100 में कम से कम 70 नंबर इंटर में ला पाए वो, ठीक है। तो देखो, अगर आप अभी तो कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी हो जाएंगे पास, ये मेरी गारंटी है। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा, खूब आसानी से बता पाऊंगा। देखो कितना सिंपल है, ये मेरे पास पेपर है 2023 का, मुझे एक अक्षर भी नहीं आता, देखना आपके सामने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दूंगा, पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के सामने ही सॉल्व कर दूंगा। आप देख लीजिएगा, आप भी इसी में रहेंगे ना, आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा पेपर कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर कहीं ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। ये पहली वीडियो में इस तरह का बना रहा हूँ कि मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो सिर्फ पेपर की सहायता से या पूरे पेपर करके चले आओगे और आराम से 40-45 नंबर ला पाओगे आराम से, ठीक है। तो मेरे प्यारों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो मुद्दे वाली बात पर आते हैं, मेन है मेरा पेपर, पेपर आ गया, ठीक, इसको हटा दो, पेपर आ गया और मेरे पास एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी तो आएगी। देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी आ गई, कॉपी को मैंने रख दिया नीचे, पेपर और रख दिया ऊपर, हो गया। आप देखो मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं लेके बैठा हूँ, क्या करूं यार, पेपर मुझे मिल गया, कोई नहीं, पेपर को खोला जाएगा। अब पेपर मिलेगा तो खोलना तो पड़ेगा, चलो खोल देता हूँ। देखो जब खोलूंगा तो भाई इंग्लिश देखते ही मेरा मन घबराने लगेगा, अरे यार करूं तब क्या करूं, अब तो पार्ट वन आ गया, तो पार्ट वन आ गया तो करना क्या, कुछ नहीं, आ गया तो आ गया। पार्ट वन, पार्ट वन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, पार्ट वन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यार बच्चों, वो भी 20। अब एक चीज याद रखना कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपको बता दे कि बस यही वाला सही होगा, बी वाला सही होगा चाहे सी वाला सही होगा, कोई नहीं बता सकता है। तो पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पार्ट वन में। अब कैसे पास होगे तुम पार्ट वन में 20 ऑब्जेक्टिव का, तो देखो मेरे प्यार बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कर रहे हो एक ही ट्रिक होता है मेरे प्यार बच्चों कि अल्लो वाला ट्रिक समझे हो, अल्लो का मतलब समझते हो, मार दो आंख बंद करके, मार दो ए है कि बी है कि सी, आंख बंद करके 20 के 20 क्वेश्चन मार दो। लेकिन मेरी राय मानना, मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है कि सबसे ज्यादा जो सही होता है वो ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन होता है। आप आंख बंद करके मारो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप ऑप्शन जो मारना मेरे प्यारे बच्चों ए और सी मारना, ज्यादातर ऑप्शन आप ए और सी मानना। मैंने कहा ना कि दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर है जो नहीं बता पाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि ए होगा या बी होगा, लेकिन मैं ज्यादातर 90% केस में ऐसा मैंने पेपर देखा हुआ है, पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ए और सी अधिकतर सही होता है। तो 20 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन तो भाई उसमें रिक्स है, ए और सी करके आना और बहुत सारा ऑप्शन बी और डी भी कर लेना, ताकि 20 में कम से कम आप लोगों का 12-13 नंबर आप लोगों का सही हो जाए। 12-13 क्वेश्चन अगर आप लोगों का सही हो जाता है तो समझ लो कि 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें तुम लोग बढ़िया से पास हो गए अच्छे से, ठीक है। अब तो ये तो ऑब्जेक्टिव वाला था जो कि पार्ट वन में आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 3 पैसेज देता है, देखो पार्ट वन में भी एक पैसेज आपको मिल गया, ठीक है। मेन खेला पैसेज क्या है देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 वाला भी पैसेज मिल गया और एक पैसेज तो आपका यहाँ पे होता है रीडिंग वाला, 3 पैसेज होता है, उन्हीं 3 पैसेज में सारा क्वेश्चन कर डालोगे। तो देखो यहाँ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने ट्रिक आपको बता दिया। मेन स्टार्ट होता है यहाँ से पार्ट बी से, मेन कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से पार्ट बी, जो कि 50 नंबर का था, जिस हमको करना होता है कॉपी में। पार्ट बी रीडिंग का पहला पार्ट आता है। अब देखो रीडिंग का पार्ट आता है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ले लेना आराम से। यहाँ पे आप डालना पार्ट बी, ठीक है, यहाँ पे आप अच्छी राइटिंग में डालना पार्ट बी, चलो डाल दिया, रीडिंग का पार्ट है। यहाँ कोष्टक बना देना, खूब अच्छे से लिख देना कि रीडिंग वाला पार्ट कर रहा हूं, ठीक है, रीडिंग का पार्ट में कर रहा हूं। इस तरह कोष्टक बनाकर खूब आराम से बढ़िया से घेर दो, लो भाई रीडिंग वाला पार्ट कर रहा हूं। चलो
अब रीडिंग वाला पार्ट में मेरे प्यार बच्चों, ये आपका आ जाएगा पैसेज, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब पैसेज आ गया, अभी पैसेज पढ़ना थोड़ी है, पागल हम लोग पैसेज पढ़ेंगे नहीं। पैसेज के नीचे चार क्वेश्चन है, दो नंबर, एक नंबर, सात नंबर का है अनसीन पैसेज, इसको सॉल्व करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर रहे हो, रीडिंग का क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर पहला, तो आप यहां से हेडिंग डालो आंसर नंबर पहला, यहां पे आप डालोगे आंसर में फर्स्ट कर रहा हूं, आंसर पहला, वो भी यहां पे ए वाला कर रहा हूं, तो ए वाला यहां पे आपको डाल लेना, इस तरह ए वाला मैं कर रहा हूं। अब देखो समझो करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न पढ़ो, हाउ कैन वेल्थी पीपुल हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन। आपको कुछ करने की जरूरत है, अनसीन पैसेज सॉल्व करने का बेहतरीन ट्रिक ये होता है कि आप इसमें से कॉमन वर्ड खोजो। देखो जैसे वेल्थी हुआ, सिक हुआ, हेल्पलेस चिल्ड्रन, यही तीन कॉमन वर्ड है, इन्हीं तीनों कॉमन वर्ड को आपको इस पैसेज में छाटना है, ठीक है, इन्हीं तीनों वर्डों को आपको पैसेज में छाटना है। देखो मैंने छाट के ऑलरेडी रखा हुआ, देखो हेल्पलेस चिल्ड्रन, ताकि आपको समय ना बर्बाद हो, हेल्पलेस चिल्ड्रन मिल गया कि नहीं, अप्रश्न में भी था हेल्पलेस चिल्ड्रन, बस उसके आप ऊपर चले जाओ, या ऊपर आंसर होता है या नीचे होता है, तो हेल्पलेस चिल्ड्रन तक कामा लगा है ना, बस ऊपर चले जाओ, कहां तक, द एस्टेब्लिशमेंट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर सिक, यहां से लेकर देखो, यहां से लेकर और हेल्पलेस चिल्ड्रन तक उतार दो एकदम, ठीक है, यहां से पहला वाला जो आपको दिख रहा है एकदम राइटिंग बैठा कर बिंदास, एकदम बिना सोचे समझे, खूब सुंदर राइटिंग, लो भाई तीन लाइन हो गया, तीन लाइन जब होगा ना तो एग्जामिनर तुरंत यहां से दो नंबर देगा आपको, तुरंत दो नंबर देगा, लो भाई आंसर नहीं मालूम था कर लिए। इसी तरह देखो दूसरा, व्हाट वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन। अब यहाँ पब्लिक यूटिलिटी मेन वर्ड है, ठीक है, अब इसी में आपको छाटना है कि पब्लिक यूटिलिटी कहाँ है। अब यहाँ पे देखो पब्लिक यूटिलिटी मिल जाएगा, अनसीन पैसेज में मिलता ही है, कॉमन वर्ड मिल गया, बेसाइड से हमने उठाया, कहां तक, बेसाइड से उठाया और यहां तक प्रमोटिंग तक, ठीक है, या यहाँ इंस्ट्रक्शन तक, जहां तक मैं घेरा हूं, बस यहां से लेकर यहां तक छाप दिया। ये बी वाला देखो, यहां जब हो जाएगा ना, बी डालो यार सिंपल, अब वही छाप दो जो लिखा था, खूब अच्छी राइटिंग में ब्लू पेन से एकदम, ठीक है, जैसे दो लाइन लिखोगे लो दो नंबर मिल गया, क्या कमाल की चीजें हैं यार, देख रहे हो ना, पूरा बता रहा हूँ पूरा, टेंशन मतलब। तीसरा, हाउ डू मेनी रिच पीपुल वेस्ट देयर मनी, देयर मनी आ जाओ, वेस्ट देयर मनी मिल गया, रिच से उठाओ और यहाँ पे लिख डालो, यहां तक सी वाला काम कर, देखो रिच से उठाओ और यहां तक लिख डालो, हो गया भाई, सी वाला भी लो आंसर हमने कंप्लीट कर दिया। आराम से लिखोगे तो तीन लाइन में आराम से उसका आंसर हो जाएगा, जहां तक मैं बताया हूँ तीन लाइन में हो जाएगा, दो नंबर इसका भी मिल जाएगा आपको। फिर डी वाला यहाँ पे डाल लेना, डी वाला मेरे प्यारे बच्चों, विच वर्ड इन द पैसेज मींस सेवरल। अब कभी कभी एक चीज ऐसा आपको देखने को मिले, जैसे सेवरल, पूरे पैसेज में सेवरल खोज डालोगे, सेवरल मिलेगा ही नहीं, जब नहीं मिलेगा तो आपको सर मिल नहीं रहा, आप क्या करें, तो नहीं मिला तो छोड़ो यार, पहला वाला लाइन बचा है यहीं से उठा लो और यहां तक लिख दो, बात खत्म, आपको देखने के लिए यहाँ पे लिख के हटोगे तुरंत के, चलो लो लिख दिए, ले जा एक नंबर, सात नंबर का हो गया पहला, पास हो गए तुम, जा आ जाओ आगे, यही तो चीजें हैं, और क्या करना होता, कुछ नहीं। राइटिंग वाला पार्ट आ गया भाई, अब यहाँ पे लेटर एप्लीकेशन चलेगा, तो लेटर एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जब हम लोग के पास ट्रिक है तो लेटर एप्लीकेशन मतलब कुछ नहीं, रुको मैं इसको थोड़ा सही कर रहा हूँ, लो कर लिया, आ जाओ, क्या था भाई, राइटिंग वाला पार्ट था। अब देखो यहाँ पे स्केल से खींचना पड़ेगा, आप लोग खींच लेना, अरे खींच के लेना, आप लोग लापरवाह, मैं खुद खींच के दिखाता हूँ, स्केल से खींचना, मैं पेन से ही खींच रहा हूँ, आप स्केल से खींच लेना ताकि दिखने में अच्छा लगे, मेरे पास समय नहीं इसलिए बता रहा हूँ, स्केल से खींच लेना। राइटिंग वाला पार्ट कर रहे हो, देखो राइटिंग वाला पार्ट, आराम से हेडिंग डालो राइटिंग, खूब सुंदर राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, देखो तो यहाँ मैंने राइटिंग लिख दिया, हेडिंग डाल दिया राइटिंग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें दो प्रश्न है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस और विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे। लेटर आओ यार, क्या लिखना है, लेटर, यहाँ कुछ भी पूछे क्या फर्क पड़ता है, लेटर लिखा है, इधर लिखा है एप्लीकेशन, या तो आप लेटर करो या तो एप्लीकेशन करो, दोनों में से कोई एक ही करो, तो दोनों में से कोई एक बता देता हूँ, दोनों में ट्रिक वही फॉलो होगा, लेटर कर रहे हो ना, चलो यहाँ पे लिख लेना आंसर दूसरा, क्योंकि आप आंसर दूसरा कर रहे हो, ये आपको डालना जरूरी है, आंसर आप दूसरा कर रहे हो
वो भी आप क्या कर रहे हो, लेटर कर रहे हो, तो यहाँ पे कोष्टक में उसके आगे लेटर लिख देना है कि आंसर दूसरा कर रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो, लेटर कर रहे हो। बस अब लेटर में क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल। अगर आपने कॉलेज को लिखना है टू द प्रिंसिपल, देखो किस पे लिखना था, कह रहा है कि प्लेस विजिटिंग ड्यू हॉलीडे, लेकिन प्रिंसिपल वाला नहीं है केस, यहाँ पे कुछ अलग है। देखो कह रहा है कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो अपने फ्रेंड के यहाँ फ्रॉम द प्लेस यूर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे। अब समझ लो, ये मत सोचना कि सर फ्रेंड के यहाँ पत्र लिख रहे हैं तो आप टू द प्रिंसिपल क्यों लिखवा रहे हैं। समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अधिकतर आपका स्कूल वाला आता है, स्कूल में फीस के लिए लिखो, स्कूल में शादी पड़ गई दीदी के लिए तो स्कूल के प्रधानाचार्य को आप एक लेटर लिखो, तो या अगर स्कूल वाला आएगा तो टू द प्रिंसिपल लिखना है। लेकिन यहाँ पे अब बताया है कि एक पत्र लिखना है, ठीक है, हॉलीडे छुट्टी के लिए, अपने फ्रेंड यहाँ जा रहे हैं तो छुट्टी के लिए एक पत्र लिखना है फ्रेंड के यहाँ, तो कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, फ्रेंड क्या लिखना है, प्रिंसिपल वाला आएगा तो टू द प्रिंसिपल लिख लेना, फ्रेंड वाला आया तो डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, बात खत्म। डियर फ्रेंड उसका एड्रेस, मेन क्या है उसका एड्रेस, डियर फ्रेंड के बाद उसका क्या डालो, एड्रेस में छोटा कर देता हूँ, डियर फ्रेंड के बाद उसका डालो तुम एड्रेस, जैसे एड्रेस हो गया, ठीक है, तो यहां पर लिख लेना माई लवली फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड को लिख रहे हो तो माई लवली जो नाम है उसका, माई लवली उसका नाम फ्रेंड, ठीक है। अब आगे रही बात कि अब आगे क्या लिखोगे, तो करना क्या है यार, मैंने कहा ना कि आप में तीन पैसेज दिए हुए हैं, एक तो पहला ही पैसेज आपको मिल गया, डियर फ्रेंड से उठाना यहां तक आ जाना, इस लाइन को उठाना और यहां तक पूरा छाप दो, यहां तक उठाना यहां तक छाप दो, पूरा छाप दो, क्या करना है, जैसे ही छापोगे पता चलेगा कि यहां से लेकर यहां तक छाप दिए पूरा भर गया। और लास्ट में लिख लेना, अगर प्रिंसिपल वाला होगा तो यहां पर लिख लेना योर ओबेडियंटली, योर ओबेडियंटली मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिख देना, नाम मत लिखना एक्स एक्स लिख लेना, फिर डेट लिख लेना, डेट में भी 2024 की जगह एक्स एक्स लिख लेना, ठीक है बस। लेकिन फ्रेंड को लिख रहे हो तो यहां पर लिख लेना योर फ्रेंड मतलब तुम्हारा मित्र, योर फ्रेंड, अपना नाम एक्स एक्स और डेट लिख लेना, तो दोनों चीज बता दिया कि नहीं फ्रेंड को लिखोगे तो ये चीजें और स्कूल वाला कोई भी कंडीशन लिख ले रहे हो तो ये चीजें, बाकी बीच में अपना अनसीन पैसे से छापना है और शुरू के बस ये वाला लाइन याद करना है, फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर फ्रेंड एड्रेस उसका, प्रिंसिपल लिख रहे हो तो टू द प्रिंसिपल एड्रेस उसका, बीच में अपना अनसीन पैसे से काम चला लोगे, बस हो गया। चलो इसी तरह मेरे प्यारों से कर लोगे ना, लेटर भी कर लोगे एप्लीकेशन, चलो लेटर भी हो गया एप्लीकेशन भी हो गया, बात खत्म हो गया, आगे बढ़ो। अगला देखो क्या है, तीसरा, तीसरा भी तो वही है यार, कह रहा है कि रिपोर्ट लिखो दिवाली पे, दिवाली पर रिपोर्ट लिखो। रिपोर्ट लिखने का तरीका क्या होता है, देखो रिपोर्ट में विषय में यही होता है, इसमें हेडिंग दी होती है, देखो कह रहा है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं, लाइटिंग वर्कशॉप ऑफ गॉडलेक्स लक्ष्मी एंड गणेश, ये पहली हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है, ये तीसरी हेडिंग है, कह रहा फायर एंड क्लेयर्स ये चौथी हेडिंग है, ठीक है, साइलेंस एट 8 PM रोड्स आर पार्क इन द लोक्स अपडेटिंग इन द मॉर्निंग, चार को हेडिंग है, ये चारों हेडिंग बना के आपको एक दिवाली पर रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। पहले आप प्रिपरेशन डाल लेना, देखो ये तीसरा प्रश्न है ना, तो पहले यहाँ पे आप डाल लेना आंसर तीसरा, आंसर तीसरा आइडेंट डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ दिवाली डाल लेना है, आप रिपोर्ट लिख रहे हो ना तो यहाँ पे आप हेडिंग बहुत जरूरी है, रिपोर्ट ऑफ दिवाली मतलब दिवाली पे आप रिपोर्ट लिख रहे हो, हेडिंग तो आपको मालूम है भाई, हेडिंग तो उसमें दिया हुआ है, पहला हेडिंग यहाँ पे डालना क्या था, प्रिपरेशन, ठीक है, यहाँ डाल लेना, कहाँ गया प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, लो भाई पहले हो गए प्रिपरेशन, कैसे मनाते हैं तो दिवाली कैसे मनाते हो, छापो अपना इसी तरह बनाकर, दो लाइन अपने से बनाकर लिख दो, समझ रहे हो, दो लाइन अपने से बनाकर लिख लो, तीन अनसन पैसेज है यार, एक पहला अनसन पैसेज पहला क्वेश्चन था, इसके बाद अनसिन पैसेज आगे आओ, ये भी आपका अनसिन पैसेज है, इसी में से उठा कर लिख दो, मन नहीं कर रहा था क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका अनसीन पैसेज ही रहेगा, बीच में से आई किन से उठा लो और पूरा यहाँ बोल्ड ऑन तक लिख दो, आई से उठाओ बोल्ड ऑन तक लिख लो, मतलब हेडिंग बनाते जाओ और कुछ ना कुछ लिखते जाओ, जैसे यहाँ पे चार हेडिंग था ना, प्रिपरेशन हेडिंग डाल लिया, कुछ बना के लिख दिया, कुछ अनसीन पैसेज से लिख दिया, लाइटिंग वर्कशॉप ऑफ गॉडलेक्स लक्ष्मी इसका हेडिंग डाल लो, कुछ अपने से बना के लिख लो, कुछ अनसीन पैसेज से लिख लो, इसी तरह तीसरा हेडिंग डालकर चौथा हेडिंग डालकर पूरा हेडिंग बढ़िया से डाल लो ब्लैक पेन से, अब ब्लू पेन से बना बना कर और अनसीन पैसेज से कुछ छाट छाट कर लिख दो, काम हो जाएगा,
ये भी प्रश्न कर लिए। इसी तरह अगर ये नहीं कर पाते हो तो आर्टिकल लिखने के लिए आया है, एक रिपोर्ट आता है आर्टिकल, तो आर्टिकल में भी तो वही चीज है, हिंट आपको दिया है, आ हिंट ही आपकी हेडिंग होती है, उसको हेडिंग बनाते जाना, अनसीन पैसे से लिखते जाना। तो चाहे आपका मन भाई आप आर्टिकल करो, चाहे आपका मन रिपोर्ट करो, ठीक है। ट्रिक तो आपको मालूम चल गया ना कि वही ट्रिक है। आगे आ जाओ, आगे क्या है देखो, आगे मेरे प्यारो जो है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ग्रामर वाला पोर्शन है तो आप कॉपी पे, जैसे ये आपका है तो यहाँ पे पहले डालोगे ग्रामर, ग्रामर कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रामर हेडिंग आप डाल लेना, और ग्रामर कर रहे हो प्रश्न नंबर चौथा है तो यहाँ पे लिखना आंसर चौथा, ठीक है। अच्छे से लिख लेना, मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आंसर चौथा, और आंसर चौथा में आप ए वाला कर रहे हो, बी वाला कर रहे हो, इसके नीचे सी वाला कर रहे हो, इसके नीचे डी वाला कर रहे हो, इसका आंसर लिखते जाना। अब क्या है उसका ट्रिक समझो, देखो जैसे बोला यहाँ पे कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। बोला कि ही सेड आई शेल डू बेस्ट टुमारो, देखो जब भी सेड देखे उसको तुरंत तुम टोल्ड में चेंज कर लेना, कामा को हटा देना, यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देना, ठीक है। फिर आई शेल डू माई बेस्ट टुमारो लिख के फुल स्टॉप कर देना, लो भाई इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। फिर क्या, चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, जब भी पैसिव वॉइस करना हो तो पैसिव वॉइस में क्या आता है कि देयर मैन आर लोडिंग द कार्ट, ठीक है। तो ये जो द कार्ट है इसको तुम सब्जेक्ट बना दो, लिख देना कि द कार्ट इज का प्रयोग कर देना, द कार्ट इज मेन, ठीक है। आर फिर लगा देना बाई, बाई लगा कि इस लोडिंग को लिख देना, ठीक है। बस हो गया, बात खत्म, अपने से बना कर लिखो यार, कुछ करने की जरूरत थोड़ी इसमें। फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, कह रहा कि कैपिटल लेटर का प्रयोग करके इस पंक्चुएशन बनाओ। देखो ही आ गया ना, इसको पहले कैपिटल अक्षर में लिखो, मतलब पहला कैपिटल अक्षर होता ही है, ठीक है। और जब भी आपको सेड दिखाई दे दे, जब भी सेड दिखाई दे उसके आगे आप कामा लगाओ, और उसके बाद डबल इंटर कामा लगाओ, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगाओ, फिर डबल इंटर कामा क्लोज कर दो, बस हो गया। जब भी सेड देखे, हाँ अधिकतर सेड वाला ही देता है, ये भी आपका दो नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, अब इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया, इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, आराम से हेडिंग डालना है ट्रांसलेट टू इंग्लिश। और पैसेज, पैसेज मैं दिखाया हूँ ना आप लोगों को, पैसेज कितना इतना बड़ा बड़े पैसेज आपको दिखाया हूँ, कुछ करने की जरूरत है, यही पैसेज उठा लेना, और इसी पैसेज में आप चाहे पहला वाला उठा लेना, अच्छा ये वही यही वाला पैसेज उठा लेना। इसमें क्या करना तुम कि स्टार्ट कर लो कहीं से, देखो दैट से दिखाई दे रहा है, दैट किन से स्टार्ट कर दो और लास्ट तक लिख देना, ये आपका बन गया इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। मतलब कुछ अपने से भी बना लेना है, कुछ अपने से बनाते जाना है, और कुछ अनसीन पैसेज का भी सहारा लेना, दोनों मिक्स करना है, ये नहीं कि उसी को उठा लो, दोनों मिक्स करना। और इसमें दिसंबर दिया है ना, दादी का प्रयोग दिया है, जन्मदिन दिया है ना, तो भाई देखो जन्मदिन आपको मालूम है कि हैप्पी बर्थडे होता है, दादी ग्रैंड मदर होती है, दिसंबर जानते हो, तो कुछ जैसे भाई बहन दिया है तो सिस्टर हुआ, ब्रदर्स हुआ, पूजा हुआ, ठीक है, फिर दादी हुआ, फिर उम्र हुआ, फिर धन्यवाद मतलब थैंक यू हुआ, बीच बीच में इनका प्रयोग आपको करते रहना है, ताकि एग्जाम जब कॉपी चेक करेगा तो थैंक यू, पूजा, जन्मदिन, दिसंबर, ये सब पढ़ेगा ना, ईश्वर गॉड का प्रार्थना रिस्पेक्ट कर रहे हो, भविष्य फ्यूचर देख रहे हो, कुछ तो स्पेलिंग मालूम है ना, उसको इंक्लूड करते जाना, और उसको ध्यान देता जाएगा, उसको चेक करता चला जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। हम कह रहे हैं चार नंबर नहीं, दो नंबर देगा, पास हो गए कि नहीं हो गए, बात खत्म। इसके बाद लिटरेचर वाला पार्ट आएगा, तो लिटरेचर वाला पार्ट आएगा, तो फिर वही काम करना है आपको, पेज पलट लेना बढ़िया से, जब भर जाएगा तो कहाँ गया लिटरेचर, यहाँ पे लिटरेचर आप हेडिंग डालना है कि लिटरेचर वाला पार्ट कर रहे हैं, लिटरेचर में अब क्वेश्चन आंसर आएगा, ठीक है। आंसर पांचवा से स्टार्ट है लिटरेचर, तो यहाँ पे डाल लेना आंसर पांचवा, और उसका आप ए वाला कर रहे हो तो यहाँ पे ए वाला डाल लेना, यहाँ पे लाइनिंग अपना खींच लेना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, उतना तो काम कर ही सकते हो। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड इच, अब इसका आंसर लिखना है कि व्हाई डिड द पोस्टमैन लव हेल्थी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, व्हाई काटो डिड को काटो, दस उठाओ, हमेशा दस उठाना है, ये सब्जेक्ट का काम करता है। द पोस्टमैन लव हर्टली, इसको लिखने के बाद घूम के चले जाना अनसीन पैसेज में, अनसीन पैसेज में जाना यहां से लेकर यहां तक छाप देना, बात खत्म, पहला प्रश्न हो गया, समझ में आया आप लोगों को, पहला प्रश्न आपने आसानी से कर दिया। इसी तरह इसमें इसको करना होगा, द मेन से उठाना, यहां तक लिखना, फिर अनसीन पैसेज में चले जाना, घुमाकर कुछ ना कुछ टॉपिक उठाकर लिख देना, हो जाएगा। इसी तरह यह भी प्रश्न है, इसको प्रश्न को भी इसी तरह करना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से निल्सन मंडेला, देखो वाई वाज काट लेना है, निल्सन मंडेला उठाना, फिर यहाँ से वाई डिड काट लेना, यहाँ से ही से उठाना, यहां तक लिख देना, फिर अनसीन पैसेज में चले जाना, वहां का भी कुछ पार्ट लेकर इंक्लूड कर देना, हो जाएगा आपका।
अगला देखो आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड। 60 वर्ड मतलब वही तो है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर लिखने का ट्रिक तो मैं बता दिया हूँ, उसी पे बेस है। आपके पास 3 अनसीन पैसेज है, उसी में से घुमा घुमा के लिखना है और आगे जाओ। देखो व्हाट डज इसको काट दो, हाउ डिड काट दो, बस गौतम बुद्ध किन से उठाओ यहां तक ले जाओ, अनसीन पैस में जाओ कुछ पार्ट लिख दो। इसी तरह व्हाई डज को काटो, द से उठाओ पीपल तक लिखो, अनसीन पैसे जाओ छाप दो, पूरे नंबर मिल जाएगा। बस राइटिंग फ्रेश लिखना, क्लीन एकदम, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, हु हैज कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम को कौन कंपोज किया था, आप लिख लेना कि कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इसको काट देना। द पोएट टच द थॉट दिस पोएम, यहां तक लिखने के बाद अनसीन पैसेज में का दो को लाइन कहीं बीच में को उठा लेना या लास्ट में को उठा लेना, यह पर लाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद राइट 4 लाइन, अब 4 लाइन पोएम याद कर लो यार, इसको क्या ट्रिक बनाना है, इतना तो याद नहीं कर सकते हो। लो भाई अगर मान लो याद भी नहीं कर लेते हो, आपको लिखना गया दोनों में से कोई एक ही करना है ना, तो दोनों में से कोई कर लेना। पोएम भी लिखना होगा ना, तो अनसीन पैसेज का 4 पार्ट उठा लेना, एक इतना लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, बस हो गया, पोएम का काम कर देगा। फिर है राइट एंड सेंट्रल आइडिया पोएम, ठीक है, सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी पोएम का। देखो फायर एंड आइस, अ टाइगर इन जू, द ट्रीज, तीन गो में से किसी एक का लिखना है सेंट्रल आइडिया। मान लो फायर एंड आइस का लिख लो, हेडिंग डाल लेना कि फायर एंड आइस, फिर हेडिंग डाल लेना सेंट्रल आइडिया, हेडिंग डाल लेना है अपने कॉपी में सेंट्रल आइडिया, ठीक है। और सेंट्रल आइडिया में क्या लिखना है मेरे प्यार बच्चों, पैसेज, पैसेज में जाना घुमा कर द ब्रिटिश के से उठाना और यहां तक लिख लेना, ये आपका उसका काम कर देगा, सेंट्रल आइडिया का काम कर देगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आओ, लास्ट में आओगे तो फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर लिखने का ट्रिक बताया ही हूँ आप लोगों को, ये भी क्वेश्चन आंसर आ गया लिखने का ट्रिक बताया हूँ, उसी तरह आपको छापना है। लो पेपर हो गया, पेपर सॉल्व कर दिया भाई, जब उसको पूरा लिखोगे ना कॉपी पूरा भर जाएगी आपकी सुंदर राइटिंग में, हो गया 70 में 45 कम से कम बता रहा हूँ। अगर एग्जामिनर वैसा मिल गया जो उसको भनक भी नहीं लगा कि गलत लिखा या सही, वो 70 में 65 नंबर मिल जाएगा आपको, पास हो गया यार तुम तो, बहुत एकदम टॉप कर गया, A++ ग्रेड ला देगी तुम। लेकिन इसी तरह करना है, नहीं आएगा तो पूरा एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सेम इसी तरह करना है। तो मेरे प्यारों से वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है ना, इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, मेरे रहते कोई फेल नहीं हो सकता, सब लोग पास हो जाओगे, गारंटी है मेरी, जाओ हो गया ना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर फायदा हुआ होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना, अगर भला चाहते हो किसी भी लड़के का शेयर कर देना, वो भी बेचारा इंग्लिश में पास हो जाएगा बढ़िया से।